वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ से ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा आपको भी ये चीज़ बतानी चाहिए। मेरे हस्बैंड अभी थोड़े दिन पहले, उनके एक दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे मिलने गए थे और उन्होंने उनके ऑफिस में रॉक सॉल्ट होता है ना, जो सेंधा नमक, उसका इतना बड़ा पूरा का पूरा जो क्रिस्टल होता है या पूरा पत्थर जो होता है वो रखा था टेबल पे, साइड में रखा था। तो अब इन्होंने पूछा कि समझ तो गए थे, बिकॉज वी बोथ आर MD आयुर्वेदिक फिजिशियन, तो हम समझ गए थे कि ये रॉक सॉल्ट है। फिर भी उन्होंने पूछा कि भैया आपने क्यों रखा, तब उन्होंने बताया ये निगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, और मेरे बच्चों ने बताया और मैंने रखा। और देखो, वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा इस शहर का बिजनेसमैन है। उनका टर्नओवर 300 to 400 एनुअल पर ईयर, 300 to 400 crore रुपए टर्नओवर है, इतने बड़े बिजनेसमैन है वो। फिर इन्होंने वो बात मुझे भी बताई कि तुम जो सब कुछ करती रहती हो वो भैया के यहाँ भी मैंने टेबल पे देखा। तो मुझे लगा कि देखो, मतलब लोग कितने अवेयर हैं उस चीज़ को लेके। और लोग बोलते हैं ना, बस स्पिरिचुअल होना, ये सब करना, ये सबसे कुछ नहीं होता है, कमाना, पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, वो तो हर कोई करता है, पर देखो अगर वो बिजनेसमैन भी इस पर भरोसा नहीं करते तो वो रखते क्या? या कई लोग बोलते हैं वो रख लिया तो क्या अब सब कुछ बदल जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई, ये सब चीज़ उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मददगार चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं। अब आपको मान लो किसी दूसरे शहर पे जाना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, प्लेन से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से जाओगे। आप पैदल भी जा सकते हो, तो ये जो टूल्स हैं ना, ये आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं। आपका गोल तो आपको ही डिसाइड करना है कैसे जाओगे, ये बस हेल्प करने के लिए, आपकी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने के लिए ये सारे टूल्स काम करते हैं, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सॉल्ट से मनी की नेगेटिव फाइनेंशियल एनर्जी को रिमूव कर सकते हो, और इनफैक्ट आपके घर से भी रिमूव कर सकते हो। दोनों ही उपाय इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो मनी के नेगेटिव ब्लॉकेज हैं या नेगेटिव इमोशनल नेगेटिव एनर्जी है जो फाइनेंशियल सबकॉन्शियस माइंड से, उसको भी निकाल सकते हो, और घर में भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी निकाल सकते हो। किससे? सॉल्ट से। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं इस पर बताऊँगी, और सॉल्ट ही क्यों यूज़ करना है ये भी बताऊँगी, और उससे कैसे फ़ायदा होता है ये भी मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो ये सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इफ़ यू थिंक कि हर चीज़ की एनर्जी होती है ना, तो आपको ये मानना पड़ेगा। कैसे? कभी आप ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, कहीं भी आपने सफ़र किया हो तो आपने महसूस किया है कि कोई एक जगह जहाँ मान लो आपकी सीट है वहाँ ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हैं, तो आपको जाते साथ एक बार ऐसी फीलिंग आती है कि कितना अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ बैठने में कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है। फिर भी आप एनीहाउ बैठ जाते हो, पर थोड़ी देर में आपको अटपटा लगने लगता है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी है उस प्लेस की, क्योंकि वो जो ऐसा सोच रहे होते हैं वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वो आप पॉजिटिव हो तो आपकी एनर्जी उससे मैच नहीं करेगी, इसलिए आपको अच्छा फील नहीं होगा। इनफैक्ट हम एनर्जी ही हैं, और हम फील करना भी समझते हैं, और वो हमें समझ में आ जाता है। तो दूसरी चीज़, आपने कई बार देखा हो किसी के घर हम जाते हैं तो कितना अजीब सा कई बार लगता है, एकदम डार्क प्लेस लगता है उनके यहाँ, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है कितने नेगेटिव इमोशन है। कई बार बोलते हैं ना कि वाइब्स अच्छे नहीं है वहाँ के, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है। तो ये जब आप ये समझ पा रहे हो, इट मीन्स यू आर सेंसिबल टू नो एनर्जी। तीसरा और एग्जाम्पल है, अभी हम देख रहे हैं ना, हवा है पर हमको दिख नहीं रही है, बट हम उसका अस्तित्व महसूस करते हैं, इनफैक्ट उसी से ही हम जिंदा हैं, तो वो तो है ना, वो क्या है, वो भी एनर्जी है। तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी
हमारे आसपास रहती है और हम उसको महसूस कर पाते हैं। इसीलिए किसी घर में जाने के बाद कितना पॉजिटिव फील होता है, कितना खुशी का माहौल लगता है, कई लोगों के मिलने के उनके चेहरे में जो खुशी दिखती है, पूरी फैमिली भी कई बार कितनी खुशी दिखती है। और किसी घर में जाओ तो आपको सब ऐसे दुखी आ रही दिखेंगे, कोई ना कोई हर कोई कभी ना कभी बीमार पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ उनके घर में बस लड़ाई झगड़ा या दुख तकलीफ वो सब कुछ चल रहा होता है। तो उस घर में आपको जाने में बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, मजा नहीं आएगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वहां नेगेटिव एनर्जी है। तो और ये केवल एक जन से नहीं होता है, पूरे घर में जितने लोग रहते हैं सब एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं और कुछ साल बाद सब एक से बन जाते हैं मोस्टली लोग, और क्या तो वो चेंज हो जाएंगे या आप चेंज हो जाओगे। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिमूव करने के बहुत आसान दो उपाय मैं बताती हूँ कि कैसे नमक से आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हो और कैसे उसको फाइनेंशियली भी आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए क्या करना है। घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको सॉल्ट लेना है, कोई सा भी, स्पेशली अगर रॉक सॉल्ट लोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो रॉक सॉल्ट लेना है, मान लो ग्लास है, मैं अभी इसी से पानी पी रही थी, इतना के करीब आपको इतना नमक भर लेना है, पिसा हुआ नमक भी भर सकते हो चलेगा। और उसके बाद में आपको पानी फिल करना है और बस थोड़ा इतने के करीब पानी भर के और रख देना है, वो उसमें घुल जाएगा। और उसके बाद आपको ये जो पानी है ना, इस पानी को ऐसी जगह रखना है घर में, जैसे उस कोने में या किसी कोने में या दरवाजे के पीछे कहीं जगह हो, घर के कोने में रखना है। आप चाहो तो दो कोने में भी रख सकते हो, तीन में भी रख सकते हो, अदरवाइज एक रूम में एक सफिशियंट है। उस जगह रखना जहाँ लोगों को जाते साथ ही दिखे ना, या कई लोग उसको पी ना ले पानी समझ के, उसको वहाँ छोड़ दीजिए। अब पता कैसे चलेगा कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई? पहली बात तो जैसे ही नमक पानी में घुलता है ना, उसमें सोडियम क्लोरीन रिलीज हो चुका रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई उससे बढ़ जाती है। नमक के तो बहुत बड़े गुण हैं, क्योंकि नमक ना यूनिवर्सल वेल्थ सिंबल है, ये मैं बाद में बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि नमक, जैसे सैलरी अभी हम लेते हैं ना, जॉब करते हैं तो क्या लेते हैं, सैलरी, तो सैलरी ना सॉल्ट से ही बना है। पहले लोग ना सॉल्ट को मनी के सिंबल के रूप में यूज करते थे, अब नोट आ गए हैं, तो ये पता नहीं कि नोट में वो एनर्जी है कि नहीं नेगेटिव मनी को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की। बट हाँ, सॉल्ट में 100% थी, वो मिनरल्स है, रिच मिनरल्स है, और बहुत सारे लोग इसको हर धर्म में, मैक्सिमम धर्म में उसको यूज करते हैं एज ए प्यूरिफिकेशन, मतलब उस प्लेस को क्लीन करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकमिंग करने के लिए। चर्च में भी देखो आप यूज होता है, इजिप्ट में भी बहुत सारे लोग यूज करते थे, हम भी हिंदू धर्म में नजर उतारने के लिए उसको यूज करते हैं और फिर कोल में उसको जला देते हैं। हाँ, बहुत सारे जो फॉरेन के कल्चर है उसमें मैंने एक जगह सुना था कि किसान अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए भी बाउंड्री वॉल पे उसके सॉल्ट की बाउंड्री बनाते थे। इनफैक्ट जो सूमो की वो जो रेसलिंग होती है ना, उसका भी जो किनारा रहता है चारों तरफ जो उसका बॉक्स बनता है, उसमें भी सॉल्ट की ही दीवार वो बनाई जाती है, लाइन बनाई जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इसको तो यूज़ किया ही जाता है, कई सदियों से किया जा रहा है, और इट्स अ सिंबल ऑफ वेल्थ। और उसमें सच में वो गुण भी है, क्योंकि जैसे ही वो पानी में अभी घुला, जैसे घुला तो क्या होता है, उससे नेगेटिव आयंस निकलते हैं, जो आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो जो नेगेटिव आयंस जब निकलते हैं ना, तो हमारा जो खुशी का हार्मोन है सेरोटोनिन, वो हार्मोन रिलीज होता है, और मूड एलिवेटर, मूड एनहेंसर होता है, खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए इनिशिएट करता है ये। तो इस तरह से आप उस कहीं भी घर के किसी कोने में रख दीजिए, और पता कैसे चलेगा कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई कि नहीं, 24 घंटे आप उसको रखिए। 24 घंटे में अगर वो पानी आपको क्लीन मिल रहा है, जैसे अभी ये क्लीन है, घुल गया है इसमें, उसके बावजूद भी क्लीन है, तो वो वैसा ही आपको 24 घंटे के बाद मिलेगा। पर अगर वो बहुत ज़्यादा मटमैला टाइप का हो गया है, तो समझो लो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी उसमें डिजॉल्व हो गई, और दूसरी बात, नेगेटिव एनर्जी वहाँ उस प्लेस में है,
तो आपको फिर से ये प्रोसेस पूरी दोहरानी चाहिए। फिर वो पानी फेंक के सेम वैसे ही बना के फिर वहाँ रखना चाहिए, जब तक कि वो पानी आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे क्लीन ना मिल जाए। ऐसा आप हर कोने में भी कर सकते हो, और जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज क्लीन मिला, उसके बाद वो करना बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हो। और ये घर की नेगेटिव एनर्जी घर के लोगों के ऊपर भी रहती है कि वो किस तरह से नेगेटिव बात कर रहे हैं, दिन भर में क्या बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कैसे सीरियल्स देख रहे हैं, कैसी म्यूजिक बज रही है, क्या हो रहा है। वो जितनी वाइब्रेशन हमारे घर में रहते हैं, वो सबको जो नेगेटिव रहते हैं उन सबको दूर करता है, खुशी का माहौल बनाता है। अब दूसरी बात, इसको फाइनेंशियल अट्रैक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है ये एंशियंट इजिप्ट टेक्निक है, जो सॉल्ट को उन लोग प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। उसको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, एक बोल लेना है आपको, बोल में सॉल्ट को भरना है आपको, बस इतना के करीब भर लीजिए आप। और उस इसके बाद इस तरह से कोई एक पेपर लीजिए, उसमें अपनी कोई भी विश लिख सकते हो आप। जैसे कि मान लो मुझे अगले 7 दिन में 10,000 रुपये चाहिए, तो उसमें आप लिखिए थैंक यू गॉड आई हैव 10,000 रुपीज वेरी इजीली। और अगर मान लो आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उसमें आप लिख सकते हो कि आई एम हेल्दी एंड फिट। वैसे स्पेशली ये मनी के लिए ही है, तो आप मनी के लिए ही लिखिए। हालांकि इंटेंशन मैंने पहले भी बताया है कि जादू इस नमक में, इस ये तो फिजिकली काम कर ही रहा है, पर फिर भी जादू जो रहता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, एग्जिस्ट करता है। ये इन सब चीज़ों में या इन सब चीज़ों में, ये फिजिकल चीज़ें हैं, ये उसको बढ़ाती हैं, बट एक्चुअली रहता कहाँ है वो सारी चीज़ें, वो यहाँ रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये चीज़ें टूल्स हैं जो बोलते हैं ना, उस चीज़ को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, जिस चीज़ को हम भूल गए उसको याद दिलाता है। जैसे हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया तो वो करने लगे, पर अगर आप बोलोगे कि नहीं वो जामवंत जी ने जब उनको ऐसा बोला वही सब कुछ है, तो नहीं, शक्ति तो किस में थी, हनुमान जी में थी। तो वैसे ही शक्ति तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जादू तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये सारी चीज़ें उसको इन्हेंस करता, उस प्रोसेस को इन्हेंस करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने ये सब कुछ कर लिया और उसके बाद में सुबह उठे सुबह और पैसा ही पैसा आपको मिलने लगा, दिखने लगा, नहीं। आप जो काम कर रहे होगे उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी, कहीं अगर पैसा रुका है तो वो आएगा, कहीं लोगों से आपको मौका मिलेगा, जिस काम में आप कभी सफल नहीं हो रहे थे वो काम आपके होने लगेंगे। इस तरीके से ये आपका सपोर्ट करता है, चाहे साइंटिफिक समझो चाहे स्पिरिचुअल समझो, पर ये काम करते हैं। और स्ट्रगल में तो आप दिन रात वही करे हो, रात दिन और रात वही बस फीड करते जा रहे हो, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल, तो मुश्किल होगा ही। और जब इस तरह के टूल पे आप भरोसा करते हो, छोटी सी टेक्निक अगर आपको इतनी बड़ी चीज के जो सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ को या उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करने में मदद करी है, तो ये करना ही चाहिए। तो अब वापस उस प्रोसेस पे आते हैं। तो उस कटोरी में आपको इतना करीब नमक भरना है और अपनी विश लिखना है कि आई एम मेकिंग 15 लाख, 10 लाख, 15,000, जो आपको बिलीवेबल लगे या आपका जो गोल हो, वो उतना मनी उसमें लिखना है। और उस पर्ची को आपको, और थैंक यू लिखना है उसमें, थैंक यू आई एम मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी वेरी कंफर्टेबली, या आई हैव 10,000 रुपीज, ऐसा करके आप, और थैंक यू गॉड लिख के इस तरह से फोल्ड करके आप उस नमक के अंदर उसको डालिए। और उस नमक के बोल को आप अपने बिस्तर के नीचे आपको रखना है, पलंग के नीचे रखना है, क्योंकि एक तो नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, दूसरी बात आपने जो उसमें लिखा है, आपने वो इंटेंशन क्रिएट की है उसमें। तो जब आप ये रख रहे हो तब आपको बोल को हाथ में लेना है, जब आप रखने जा रहे हो तो 5 मिनट शांति से बैठिए और उस नमक को विजुअलाइज कीजिए कि वो नमक आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव मनी के बिलीव्स हैं उसको रिमूव कर रहा है, और आपके सारे जो फाइनेंशियल अबंडेंस के जो डोर है वो ओपन कर रहा है। एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स माय डियर फ्रेंड। इजिप्शियन लोग करते थे, डेजर्ट में जाने से पहले भी वो ये रिचुअल करते थे, अबंडेंस के लिए तो करते ही करते हैं। तो ये आप करके देखिए, ये आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत कारगर उपाय है, और आप भी इसको अपनाइए। और लास्ट में ज़रूर बोलूँगी, दीज आर नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ योर वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, दीज ऑल आर टूल्स
विच क्रिएट्स योर माइंडसेट। और 80% अगर आपका माइंडसेट और सबकॉन्शियस माइंड अगर बन गया तो 20% तो माय डियर फ्रेंड कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो तो अपने आप ही काम हो जाता है। और इस तरीके से माइंडसेट को आप पहले कीजिए और वेल्थ अबंडेंस तो आना ही आना है। आई होप दीज टू प्रोसेस विल डेफिनेटली रिमूव योर फाइनेंशियल एनर्जी, फाइनेंशियल रिमूव योर नेगेटिव फाइनेंशियल एनर्जी फ्रॉम योर हाउस एंड फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड टू। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।